यू गाइस आर डूइंग वेल। हे गाइस, सो इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी हम लोग सोकर उठे हैं। कल वाली रात जो थी ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि एक तो हमने रूम चेंज कर लिया, ऊपर से ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, रात को तूफान आ रहा था। हम लोग को 4-5 बजे सोए थे, उसके बाद लाइट चली गई थी तो एसी वगैरह बंद हो गया था, नींद नहीं आ रही थी। और यहाँ मम्मा क्या कर रही है? यहाँ पर हम लोग अपने आटे को ना अच्छे से स्टेन कर लेंगे और जो हमारे पास क्लीन फ्लोर होगा ना उसको हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। ये प्रोसेस हम लोगों ने ध्यान से करना है और एंड पर क्या होगा कि इसका जो फाइबर है वो ऊपर रह जाएगा और बाकी जो क्लीन आटा होगा ना वो हमें नीचे जो है वो अलग से मिल जाएगा सेपरेट से। ओके, सो अभी सारी चीज़ें सेट वगैरह करते हैं और उसके बाद ना आटे को सेव करने का तरीका भी पूछते हैं मम्मा से कि आटे को सेव कैसे किया जाता है, सो आप भी देखिए। अच्छा, आटे को सेव करने के लिए जो मेरे पास चीज़ें मैंने अपने पास ला के रखी हैं, नमक है, थोड़ी सी लौंगे हैं, दालचीनी है और तेज़पत्ते हैं। इसे मैं आटा सेव करके रखूँगी। इसे हमारा आटा अगर 2 महीने भी फ्रिज में, इस आटे को भी मैंने पैकेट बना के फ्रिज में रखना है जिप लॉक करके, अगर आटा 2 महीने भी पड़ा रहेगा तो आटा ख़राब नहीं होगा। बरसात के मौसम में आटा मोस्टली हर घर में ख़राब हो जाता है, तो आटा ज़्यादा पिसने की वजह से अब इसको सेव तो करना ताकि हमारा आटा ख़राब होने से बच जाए। तो आप तरीका दिखाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये मैंने जिप पैकेट लिया है, ये पैकेट लिया है मैंने, मैं आटा डाल रही हूँ। इसके अंदर डबल मैंने ये तेज पत्ता डाल रही हूँ एक, ठीक है, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें, मैं नमक जा रहा है इसके अंदर, और एक दो लौंगे डाल रही हूँ इसके अंदर, फिर इसमें आटा डालूंगी दोबारा। तो हम लोगों ने प्रोसीजर बार बार जो है ना रिपीट करते रहना है और इस तरह से ना सारे पैकेट्स बना लेने हैं, आपको करके भी दिखाते हैं। और सुबह से ना हमारी लाइट दे दी है, हम लोग ये काम कर रहे थे तो लाइट चली गई थी और 3 घंटे बाद जो है ना लाइट आई है। इतनी लंबी लाइट चली गई थी, ऊपर से गर्मी आज इतनी शदीद थी, रात को बारिश हुई थी काफ़ी तेज़, तो और ज़्यादा हबस हो गई थी। इसमें तेज़ पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक कम डालना है, नमक ज़्यादा डालने का फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि नमक हम डालते नहीं हैं बस। Okay. इसमें एक दो लौंगे डाल रही हूँ, ठीक है, निमक, आटा, अगेन तेज पत्ता, अगेन थोड़ा सा नमक, चुटकी नमक और एक दो लौंगे, ठीक है। इस तरह पूरे पैकेट को मैं बना लूँगी। मैंने अब जिप, इसकी जिप को मैंने अच्छी तरह टाइट कर देना है ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, और ये पैकेट्स मैंने बना के रख लेने हैं और ये इसको मैंने फ्रिज में रख देना है, नीचे फ्रीजर में रख देना है। और ये आटा मेरा 2 महीने पड़ा रहे, 3 महीने पड़ा रहे, इसको लॉक कर दिया इसको मैंने, इसको इसकी जिप को मैंने लॉक कर दिया है। ये मेरा आटे का पैकेट तैयार हो गया है। इस तरह के तकरीबन जितने भी हमारे पैकेट तैयार होंगे सबको मैं तैयार कर लूँगी और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से ना आप लोग अपना आटा जो है साफ़ कर सकते हो और उसे जो है ना स्टोर कर सकते हो, क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है ना हशरात वगैरह निकल आते हैं आटे के अंदर, तो आप लोग इसे इस तरह से ना साफ़ सुथरा करके रख सकते हो और जब आपने पकाना हो तो इसको निकालो और आप लोग पका सकते हो। तो ये काम शाम करके हम फ्री हो गए थे एंड अभी यहाँ पर जो है ना हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। यहाँ पर मामा का बल वाला पराठा मामा ने बनाया और साथ में चाय एंड साथ में है जी इधर पालक गोश्त। तो अभी फटाफट से जो है ना नाश्ता करते हैं एंड काफ़ी देर से हम लोगों ने आज नाश्ता किया। उसके बाद जो है ना घर में थोड़ा काम शाम हो रहा था क्योंकि थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, एक रूम से दूसरे रूम में जो है ना सारे सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे थे हम लोग, और उससे जो है ना फ्री हो के और अभी हम लोग यहाँ पर लंच की तैयारी कर रहे हैं। और लंच में आज हम लोग बना रहे हैं अरबी गोश्त, तो आपको आज अरबी गोश्त की रेसिपी जो है ना वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना हम लोग सब्ज़ी जो है उसको कट कर रहे हैं
पहले सारी तैयारियाँ वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ हम लोग प्रेशर कुकर में जो है ना अपने अरवे गोश्त बना रहे हैं और यहाँ पर जो है हम लोगों ने गोश्त रख दिया है और अभी इसमें प्याज कट करके ऐड करे हैं और साथ साथ यहाँ पर अरवी की ना कटिंग हो रही है। पहले उसका जो था ना हम पील ऑफ किया था हम लोगों ने और अभी इसकी कटिंग हो रही है। तो कटिंग हम लोगों ने बिल्कुल फ्राइज़ की तरह करनी है, जैसे फ्राइज़ के लिए हम लोग आलू जो है ना उसको कट करते हैं। तो यहाँ पर कट वगैरह हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे वॉश कर लेंगे। और वॉश कैसे करना है, हम लोगों ने एक स्ट्रेनर लेना है और उसके साथ ना इसको हम लोगों ने स्टेन कर लेना है, अच्छे से इसका पानी जो है वो निकाल देना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जो है हमारी अरवी जो है वो वॉश हो चुकी है अच्छे से, अब सिर्फ इसको स्टेन कर लेना है। और यहाँ पर जो है ना हमने फ्राइंग पैन वगैरह रख लिया है क्योंकि इस पर जो है ना हम लोगों ने अरवी को फ्राई करना है। वो सारा सिस्टम भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों ने बनानी है, सारा प्रोसीजर दिखाऊंगी। आप लोग भी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा बिकॉज़ मेरे घर में तो ये सबका फेवरेट है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग अरवी को जो है ना फ्राई करने के लिए ऑयल डाल रहे थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये डिज़ास्टर हुआ था, हम लोग ऑयल डाल रहे थे और इतनी ज़्यादा आग लग गई थी, फिर इसके अंदर हम लोगों ने अरवी ऐड कर दी है और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ह्यूज किस्म की आग लगी थी। तो यहाँ पर सारे परेशान थे, मैंने मामा को बताया कि मैं वीडियो बना रही थी और चूल्हा सारा तबाह बर्बाद हो गया। तो मामा बल्कि हंस भी नहीं थी, डांट भी नहीं थी कि यहाँ पर इतनी परेशानी हो गई थी, मैं वीडियो बना रही थी फिर भी। लेकिन गाइज़ व्लॉगर की तो यही लाइफ होती है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो उसने दिखाना होता है सारा कुछ। सो अभी जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर प्याज डाली हुई थी गोश्त में, साथ अरवी फ्राई हो रही है और इसमें जो है ना जो मैं गोश्त और जिसमें प्याज बन रही है उसमें जाके यहाँ पर लहसुन ऐड करने लगी हूँ। मामा ने जो है ना पील ऑफ करके रख लिए थे, ये हम लोग एज इट इज़ डाल देंगे इसके अंदर। सो गाइस अब बारी आती है इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की, तो यहाँ पर लहसुन के बाद जो है ना इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डाला है 2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है हल्दी। फ्लेम जो है हम लोगों ने ऑन कर लेना है और उससे पहले इसको कवर करने से पहले हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून और पता नहीं ये टीस्पून है टेबलस्पून, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अभी जो है ना इसको हम लोग कवर कर लेते हैं और इसका जो है ना प्रेशर रख देते हैं ऊपर। और साथ जो है हमारी अरवी फ्राई हो रही है, अरवी को हम लोग बिल्कुल ना फ्राइज़ की तरह फ्राई कर लेंगे और क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना लेंगे। ये अरवियाँ फ्राई हो रही हैं, ठीक है ठीक है। सो जब तक ये फ्राई हो रही हैं यहाँ पर मामा जो है ना कोई और चीज़ बना रही हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं। और भाभी जो हैं वो भी दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पर जो है राइस वॉश कर रही हैं शायद जो मामा दूसरी चीज़ बनाने लगी हैं उसके लिए। तो अभी मामा से पूछते भी हैं मामा क्या बना रही हैं। और अभी जो है ना यहाँ पर राइस जो है ना वॉश हो रहे हैं सॉरी, और यहाँ पर जो है ना दाल ऐड कर रहे हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट दाल है, पता नहीं कौन सी है, शायद मसूर की दाल है। तो अभी जो है ना ये और राइस जो है साथ में जो है वो वॉश हो रहे हैं। एंड अभी ना थोड़ा काम शाम हो रहा था घर में, नाना बू भी आए हुए थे कोई प्लम्बर वगैरह लेकर, सो काम शाम हो रहे हो यहाँ पर हम खाना पका रहे हैं। ठीक है बन गया साथ ना, मैं ये खिचड़ी बना रही हूँ आज ना, आपके आपको एक अतिया के कान में दर्द है तो मैंने कहा सॉफ्ट गिज़ा बना लेते हैं, कोई खिचड़ी सॉफ्ट होती है ना वो, ठीक है। मूँग की दाल और चावल की खिचड़ी बना रहे हैं लोग। ठीक है यहाँ पर जो है ना ये फ्राई हो रहे हैं, हो रहा है साथ ही मैं हरी मिर्च डाल दी हूँ, ठीक है। साबुत डाल देनी है? नहीं इसको 2 पीस किया है मैंने, अगर इसको साबुत डालें तो फट जाती है हरी मिर्च ना ऑयल में जाके और एक धमाका होता है, जैसे अभी अरवी के लिए धमाका हुआ था इस तरह का धमाका होता है। इसमें नमक डाल रही हूँ, लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा फ्राई होगी तो साथ ही इसमें पन डाल देंगे हम, कुछ भी बन जाएगी हमारी। बहुत ही हॉरिबल किस्म का धमाका था, मैंने फिर भी शूट कर लिया। सो इसको फ्राई करते करते साथ हिला भी लूँगी बिकॉज़ ये जो है ना फ्राइंग पैन के साथ चिपक रहे थे, तो इसको मैं साथ साथ इसलिए हिला रही हूँ। तो अभी खिचड़ी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मामा ने ना पानी जो है वो ले लिया और अभी इसके अंदर वाटर जो है हम लोगों ने वो ऐड करना है। और पानी ना मैंने कोई हिसाब से नहीं डाला, खुला पानी डाला है, खिचड़ी सॉफ्ट ही अच्छी लगती है, ठीक है। एक साइड पर अरवी फ्राई हो रही है, टाइम लग रहा ज़्यादा इसको हमें इतना फ्राई करने की गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा नहीं मैं फ्राई पता मैं क्यों कर रही हूँ, फ्राई करने से ना ये लेस नहीं छोड़ती अरवी, अगर इसको डायरेक्ट घी में इसमें सॉरी गोश्त में डाल के पकाएं ना तो आपको पूरा जो ग्रेवी होती है ऐसे होता है जैसे लेस लेस बन गई है, वो खाना अच्छा नहीं लगता। फ्राई करने से इसका जो होता है ना लेस होती है, फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाती है, इस
इसलिए इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो गाइस हम लोगों ने राइस और दाल जो सोक करके रखी थी वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, जो खिचड़ी का पानी है। मैंने खिचड़ी बन गई है। इसको कितने मिनट पकाया था? 15 मिनट लगे तकरीबन, उसको बनने में 15 मिनट लगे। तो मैंने जाम इसके सॉफ्ट बनाया था। यहाँ पर हमारे जो है ना अजी भी फ्राई हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो गोश्त है ना वो गल चुका होगा शायद। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना इसका वेट उठा दिया है मामा ने, और साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने तवा रख दिया है। रोटी शोटी बना लेते हैं साथ ही और फ्री होते हैं। इसमें पानी भी थोड़ा सा है, आप इसमें चूल्हे पर रख लेंगे। इसका पानी ड्राई करूँगी थोड़ा सा। नहीं, उसमें थोड़ा सा मैं साबुत गर्म मसाला डालने लगी हूँ। ठीक है, ताकि इसका जायका अच्छा बने ना। अच्छा हम अभी अरबी नहीं डाल रहे हैं हम इसका, सिर्फ अभी हम ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि ना ऑयल ज़ाया होगा। इसका ऑयल हम अभी इसी के अंदर डाल रहे हैं। एंड इधर बन रही है गर्मा गर्म रोटी, आप लोग देख सकते हो कितने मज़े की रोटी बन रही है। तो मामा जो है ना बहुत मज़े की रोटी बनाती हैं, खैर मामा हर चीज़ ही मज़े की बनाती हैं। तो अभी यहाँ पर रोटी शोटी बन रही है और फिर थोड़ी देर तक हम लोग लंच करते हैं सब मिलकर, और बाकी आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या हालात हैं। तो इसमें जो है ना हम लोगों ने नमक के अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाली हैं, साबुत गर्म मसाला भी डाला है, और अब अरवी और गोश्त ना भून रहा है घी के अंदर। देखिए नज़र आ रहा है आपको, कैमरा दिखा रहा है ये देखें, ये अच्छा सा ग्रेवी को हमने भूनना है। और बस थोड़ा सा वेट और है, फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बर्तन में मैंने फ्राई किया था ना, और अरवी को उसी बर्तन में काफ़ी ऑयल था, ठीक है। ये मैं पानी इसी के अंदर डाल दी, ठीक है। अभी ग्रेवी इसकी बन रही है, इसको हमने कुक करना है कि अरबी अच्छी तरह गल जाए और थोड़ा सा ना दोनों का आपस में टेस्ट एक दूसरे के साथ इन्हेंस हो जाए, ठीक है। ये अरबी गोश्त हमारी जब तैयार होती है मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो गाइस इसको हम लोगों ने फिर से एक बार प्रेशर दे दिया है, और यहाँ पर जो है ना हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और जो है ना सर्व करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ी देर में हमारी अरबी भी जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो फिर साथ मिलकर सब खाना खाएंगे। यहाँ पर मामा ने खिचड़ी डाल दी, इसको बाहर रख कर आते हैं, और बाकी जो है ना आपको सारा शूट दिखाती हूँ कि अरबी का कैसा टेस्ट आता है बनकर। तो यहाँ पर अरबी भी रेडी हो चुकी है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इसको मज़ीद हम लोगों ने अभी चूल्हा जलाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा पक रहा है, लेकिन प्रेशर जो है ना हम लोगों ने इसको जो देना था वो हम लोगों को कम्प्लीट हो चुका है। बस थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएँगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं। और बहुत लजीज लग रही है देखने में, बहुत मज़े की लगती है ये, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि आप फ्राइज़ वाला सालन खा रहे, क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है जब इसको फ्राई करते हैं। और साथ अरबी बिल्कुल मतलब ऐसे कह सकते हो आप लोग के आलू मतलब बहन होती है, भाई होता है, बहन ही होगी वैसे, अरबी फीमेल होती है। तो आपको मैं ये कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है ये। तो यहाँ पर जो है ना ये बन चुकी है, अब इसकी डिश आउट करते हैं, गार्निशिंग करते हैं। एक बार इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इस पर हम लोग धनिया के साथ ना गार्निश करेंगे। और आप लोग देख सकते हो कितना कलरफुल सा जो है ना एक टेक्सचर आया हुआ है इसका, और इतना लजीज लग रहा है। तो फटाफट से हम लोग अभी लंच करेंगे, इसको डिश आउट कर ले मामा बस। तो हम लोगों ने धनिया को डालने के बाद इसको फिर से एक बार जो है ना वो मिक्स कर लिया है, और अब इसको हम लोग डिश आउट करेंगे। सो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपका भी ना ये अच्छा बना होगा, क्योंकि हमारा तो बहुत अच्छा बना है, मैं आपसे पूछूंगी नहीं। सो अभी ना ये थी मेरी वीडियो, आज की वीडियो से मुझे तो इजाज़त, अगर पसंद आई है तो जल्दी से जॉइन, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह गाइस विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो। कल मिलती हूँ एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।